अस्सलाम वालेकुम। कितनी देर हो गई आप दोनों को आए हुए? एक घंटा हो गया। आप बाजी हो? नहीं, मैं बाजी की असिस्टेंट हूँ नाजू। बाजी इशा की नमाज से फारिग होकर आती हैं, जब तक तैयारी कर लेती हैं। कौन है आप दोनों में से? हाय तौबा, तो आप इसकी कौन है? मैं इसकी माँ हूँ। ये लो, पी लो। कुछ खा पी कर तो नहीं आई हो? नहीं, मैंने सिवाय पानी के रात से इसको कुछ खाने को नहीं दिया। चलो शाबाश, ये पी लो। एक घंटे में फारिग होकर घर चली जाओगी। वैसे ये बताएं, कितने हफ्ते ऊपर हो चुके हैं? पता नहीं, मुँह से तो कुछ भी नहीं बोलती। मुँह से नहीं बोलेगी तो जान से जाएगी। जो पूछा है बताओ, कितने हफ्ते ऊपर हो चुके हैं? ओ बीबी, यहाँ पर हम बच्चे गिराते हैं, लाड नहीं उठाते। जो पूछा है वो बताओ, और अपनी भी जान छोड़ो, हमारी जान भी छोड़ो, वरना इज्जत के जनाजे के साथ साथ इसका जनाजा भी उठाना पड़ेगा। चौदह हफ्ते? ये तो 3 महीने से भी ज्यादा हो गए। अब तो आप परेशान ना हो, हमारे पास ऐसे ही केसेस आते हैं जिनका टाइम ऊपर हो जाता है, डॉक्टर हाथ लगाने से मना कर देते हैं। आप तो बच्चे वाली हैं, आपको तो पता ही है ना इन सब बातों का। पता है, अगर ये मर भी गई तो हम कोई शिकायत नहीं करेंगे। ऐसा नहीं बोलते। इज्जत की हिफाजत बंदे का काम है और जान की हिफाजत ऊपर वाला करता है। नाजो जी, इसको और सोल्यूशन फैलाओ। आधे घंटे में फारिग हो जाएगी, आप आराम से बैठो और दुआ करो। ठीक है, मैं बना के लाती हूँ। जल्दी से पकड़ और पी। अम्मा, अंदर मुझसे शादी कर लेगा। खुदा के लिए मुझ पे ये जुल्म मत कर, मैं मर जाऊंगी। मरना तो तुझे है, ऐसे ना सही तो वैसे सही। काश तुझे इज्जत की मौत नसीब होती। पकड़ पी, मैं कह रही हूं।